का भी लगाया हुआ है आपने, कितने आश्वस्त कितने देखिए, खुश। कोई भी चीज़ सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने परिजनों का, माता पिता का, उनका आशीर्वाद लेते हैं, शुभ चिंतकों का सहयोग लेते हैं। और उन्हीं शुभ चिंतकों में सबसे पहले तो मैं आज मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं तीसरी बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। और आज उसी विश्वास और उसी जोश के साथ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने कुछ हुआ है इस बार देश में, उत्तर प्रदेश में और मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वह अभूतपूर्व है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, और मैं उन्हीं को साथ लेकर उसी विश्वास के साथ, जोश के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्यार के साथ मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूँ लगभग 12 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार से भी हम बेहतर स्थिति में जीतेंगे। तो आज आपके साथ ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे। जी, आज ब्रजेश पाठक जी भी उसमें रहने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि इलेक्शन का समय है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार विपक्षियों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार कुछ नहीं कर रही, अभी तक यही, और खासकर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोला कि मैच फिक्सिंग जैसा लग रहा है, इसीलिए 400 पार 400 पार की बात हो रही है, आप भी ऐसा मानते हैं मोदी जी पे सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप? देखिए, पिछले बार हम 352 थे, NDA 303 हमारी पार्टी के थे। जाहिर सी बात है, पिछले बार से हम इस बार 5 वर्षों का हमारा रिकॉर्ड, चाहे वो कोरोना काल का हो, इतने कुछ और काम हुए, पब्लिक का जोश, एजेंसीज, और फिर हमारा टारगेट भी हमारा है 370। हमने धारा 370 जो ख़त्म की है प्रधानमंत्री जी ने, उससे उसको लिंक किया है, और लग रहा है माहौल 400 नहीं, हो सकता इससे भी ज़्यादा जाए।